नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज की जरूरी हेडलाइंस पर। राकेश टिकैत बोले, इस बार 4 नहीं 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे। उन्होंने कहा, कृषि कानून वापस नहीं लिया तो अब संसद घेरने का होगा आह्वान। 50,000 किसानों को मिलेगा सोलर पावर कनेक्शन। राजस्थान सरकार ने पेश किया विधानसभा का तीसरा बजट। झारखंड में लाह की खेती से जुड़े 73,000 ग्रामीण परिवार। लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने में जुटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। खबरों को विस्तार से भी बताएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान के मन की बात से जुड़कर आप अपने मन की बात सीधे पहुँचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन करते हुए किसानों को 3 महीने हो चुके हैं। इस बीच बीते मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल बीते दिन राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा की गई किसान महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा और वहां 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। साथ ही उन्होंने सभी किसानों से तैयार रहने के लिए भी कहा, क्योंकि कभी दिल्ली जाने के लिए आह्वान किया जा सकता है। इस दौरान टिकैत ने यह भी कहा कि कान खोल कर सुन ले पूरी दिल्ली, ये किसान भी वही हैं और ट्रैक्टर भी वही होंगे, लेकिन अब की बार आह्वान संसद का होगा। उन्होंने कहा कि किसान इंडिया गेट के पास के पार्कों में जुताई करेगा और फसल भी उगाएगा। संसद को घेरने के लिए तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा। इसके अलावा किसान नेता राकेश टिकैत ने 26 जनवरी के देश की राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा को किसानों को बदनाम करने की साजिश बताते हुए कहा कि देश के किसानों को तिरंगे से प्यार है, लेकिन इस देश के नेताओं को नहीं है। टिकैत ने कहा कि सरकार को किसानों की तरफ से खुली चुनौती है कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए और एमएसपी लागू नहीं की तो बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम को ध्वस्त करने का काम भी देश का किसान ही करेगा। आपको बता दें कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में कई जगह हिंसा हुई थी। इस दौरान किसानों ने दिल्ली के लाल किले पर निशान साहिब का झंडा भी फहराया था। इस घटना के बाद दिल्ली आंदोलन कमजोर पड़ता नजर आया और कई किसान संगठनों ने इससे अपना हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया, लेकिन राकेश टिकैत को रोता देख पश्चिम यूपी के किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन को जगा दिया। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा का तीसरा बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों और ग्रामीणों के लिए भी कई घोषणाएं की। उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि किसानों में भी देश की आत्मा बसती है और अगले साल से किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश करने का भी उन्होंने ऐलान किया। चलिए अब आपको बता दें कि राजस्थान के किसान और ग्रामीणों के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार द्वारा क्या ऐलान किए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने किसानों को 16,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त फसली ऋण दिए जाने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत मत्स्य पालकों और पशुपालकों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू करने की घोषणा की गई है, जिसके विभिन्न कार्यों पर करीब 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू करने की घोषणा की गई है, जिसके विभिन्न कार्यों पर करीब 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य में अलग अलग स्थानों पर मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे। इसके अलावा किसानों को आधुनिक सुविधा दी जाएगी। अगले 3 वर्षों में 1,000 किसान सेवा केंद्रों को बनाया जाएगा। राज्य में खेती के लिए बिजली देने के लिए अलग से बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी। अशोक गहलोत ने कहा कि अब मीटर से जो बिल भेजे जाते हैं वो किसानों को 2 महीने में एक बार भेजे जाएंगे। इतना ही नहीं, राज्य के 50,000 किसानों को सोलर पंप भी दिए जाएंगे, जबकि अगले साल से किसानों को सब्सिडी के लिए 16,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी की ही तरह राजस्थान में भी इस बार राज्य का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया। हाल ही में झारखंड की महिला किसानों ने लाह की खेती से न सिर्फ अपनी किस्मत बदली है बल्कि खूब सुर्खियां भी बटोरी हैं।
दरअसल राज्य में लाह की खेती ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का अच्छा जरिया बन चुकी है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार भी ग्रामीण महिलाओं को इसकी खेती करने की ट्रेनिंग दिला रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में राज्य के करीब 73,000 से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को लाह की आधुनिक खेती से जोड़ा गया है, जिसकी मुख्य वजह ये है कि साल 2020 में लगभग 2000 मीट्रिक टन लाह का उत्पादन ग्रामीण महिलाओं ने किया था, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में लाह की खेती की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की और साथ ही अब इसकी खेती को कृषि का दर्जा दिलाने में भी जुट गई है। इससे राज्य की ग्रामीण महिलाओं को वनोपज आधारित आजीविका से जोड़कर आमदनी बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मानना है कि भारत आत्मनिर्भर देश तभी बनेगा जब ग्रामीण क्षेत्र का सशक्तिकरण होगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार लाह की खेती को कृषि का दर्जा देगी, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय करेगी। किसानों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना सरकार का संकल्प है, इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके जरिए किसानों को अनुदान, ऋण और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आपको बता दें कि राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के गोयलकेरा प्रखंड के रूमकूट गांव की रहने वाली रंजीता देवी लाह की खेती करके आज के वक्त में सालाना 3 लाख रुपए कमा रही हैं। किसानों को उचित बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर में 460 लाह क्लेंटिंग सेंटर और 25 ग्रामीण सेवा केंद्र बनाए गए हैं। ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित इन संस्थाओं के माध्यम से लाह की खेती कर रहे किसान अपनी उपज को एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर ग्रामीण सेवा केंद्र के जरिए उसकी बिक्री की जाती है। रंजीता जैसी हजारों ग्रामीण महिलाएं इसी तरह मेहनत करके अच्छी आमदनी कमा रही हैं। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।